नोटबंदी से घर होगा सस्ता। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि क्या नोटबंदी के बाद अब प्रॉपर्टी सस्ती होने जा रही है, और हम आपसे यही आज बातचीत यहां पर करने जा रहे हैं कि नोटबंदी का प्रॉपर्टी बाजार पर क्या असर होगा, जबकि अब एक महीना बीत चुका है नोटबंदी हुए। काफी बातचीत हो रही है, काफी सारे हम बातें सुनते हैं बाजार में कि प्रॉपर्टी के दाम इतने गिरेंगे, उतनी कम होगी, लेकिन वास्तव में प्रॉपर्टी बाजार का क्या हाल है, ये आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। और इसमें हमारे साथ तीन खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ हैं मुंबई से रिसर्च फर्म लाइसिस फोरास के MD पंकज कपूर साहब, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेटको के नेशनल प्रेसिडेंट और ट्यूलिप इंफ्रा के CMD प्रवीण जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे पुणे से गेरा डेवलपर्स के MD मिस्टर गेरा, तो रोहित गेरा साहब। तो यहां पर शुरुआत में करता हूं दिल्ली से। प्रवीण जी, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से पूरा क्रैकडाउन हुआ और पुराने नोट बंद हो गए, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रियल एस्टेट मार्केट में काले धन का प्रयोग होता था, इस्तेमाल होता था, अब जबकि काले धन पर एक बड़ी बंदिश लगी है, इसका सीधा इंपैक्ट रियल एस्टेट पर आप क्या देख रहे हैं, इससे पहले कि कोई और बात करें हम? देखिए जी, मैं आपको इससे पहले बता दूं ये बात कि रियल एस्टेट में जो काले धन का प्रयोग होता था वो सेकेंडरी मार्केट में ज़्यादा होता था, प्राइमरी मार्केट में कंपेरेटिवली नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर था, क्योंकि ज़्यादातर जो बिल्डर्स प्रॉपर्टी बेचते हैं वो एंड यूज़र लेता है प्रॉपर्टी, और ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ के अंदर 80% फाइनेंस होता है। तो जो सेकेंडरी मार्केट है, रीसेल की प्रॉपर्टीज हैं, वहाँ पर क्या काला धन इन्वॉल्व होता था उसके अंदर, मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर 15 से 20% की करेक्शन आएगी। बट प्राइमरी मार्केट की बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, उसमें पहले भी काला धन प्रयोग में नहीं होता था और अभी भी नहीं होगा, और उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नोटबंदी का इस पर नहीं पड़ेगा, और बल्कि थोड़ा सा हो सकता है प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे बैंक के पास कैश फ्लो बढ़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन आएंगे तो उसका बेनिफिट इस सेक्टर को प्रवीण साहब होती है। लेकिन चलिए मैं पंकज जी के पास जाता हूं। पंकज जी, जो सर प्रवीण जी कह रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट में ज्यादा होता था, वो बिल्कुल बात सही कि सेकेंडरी मार्केट में ज्यादा होता था, लेकिन जो हाई एंड प्रॉपर्टीज थी, लग्जरी प्रॉपर्टीज थी, वहां पर काफी सारा जो लेन देन होता था वो कैश में ही होता था, सेकेंडरी मार्केट में होता था। और फिर एक ये थोड़ा दोनों तरफ के लालच की बात हो जाती थी कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, यहां पर थोड़ा बचाने के लिए लोग बहुत सारी डील जो करते थे वो करते थे नगद पैसे में, लेकिन अब वो नगद पैसे में डील नहीं होगी, अब जो कुछ है वो चेक में होगा। बड़े बिल्डर अभी भी ले रहे थे, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां पर ये डील्स होती थी कैश में। क्या ये जब कैश कंपोनेंट कम होगा तो इसका इंपैक्ट नहीं आएगा रियल एस्टेट पे? कि लग्जरी सेगमेंट की अगर आप बात कीजिए तो लग्जरी सेगमेंट ओवरऑल मार्केट का करीब 4% इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स बताता है, और इन टर्म्स ऑफ अगर वैल्यू ऑफ द मार्केट देख लें करीब 23-24% होता है। तो अगर हम ये बोल दें कि ये मार्केट पे, अगर लग्जरी मार्केट पे इम्पैक्ट, और ज़रूर है, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं लग्जरी मार्केट में अच्छा खासा पैसा इम्प्लॉय होता था जो ब्लैक मनी का पैसा था, तो उस पर वो जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है डिमोनिटाइजेशन की वजह से, जो इन्वेस्टर और जो बिजनेसमैन थे जो अपना पैसा इसमें पार्क करते थे, अब उनके लिए डिफिकल्टीज आने वाली हैं, तो ज़रूर उस सेगमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये इंपैक्ट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसका इंपैक्ट आपको मार्केट के ऊपर होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट की बात कर लीजिए तो पिछले दो साल के अंदर अगर आप देख लीजिए तो काफी हद तक जो है, क्योंकि इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया था मार्केट में, और एज सच ही एंड यूजर मार्केट ड्रिवन हो गया था, प्राइस ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो एक जरूर बताता था कि एक तरीके का प्राइस करेक्शन का मोड चल रहा है। और बहुत सारी जगह पर हम देख रहे थे कि रजिस्ट्रेशन वैल्यू और मार्केट वैल्यू के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा था, लेकिन मार्केट में इन्वेंट्री बहुत ज्यादा थी, तो ये जरूर बताता है कि हम एक सबड्यूट मार्केट कंडीशन के अंदर बिहेव कर रहे थे। तो उस सेगमेंट में मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट पे इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन जो टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं, जहां पे प्लॉटेड डेवलपमेंट होते हैं, जहां पे बिल्डर्स लैंड पे प्लॉट काट काट करके बेचते थे, उसके अंदर जरूर मुझे इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो गुजरात की बात हो, चाहे नॉर्थ इंडिया की जो बाहर के शहर हैं, वहां पर बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट होता, बहुत ज्यादा जो है कैश कंपोनेंट का एम्प्लॉयमेंट होता है। तो जहां जहां आपका रियल एस्टेट के अंदर लैंड इन्वॉल्व है, क्योंकि लैंड में सबसे ज्यादा कैश
कैश का एम्प्लॉयमेंट होता था वहाँ पे इम्पैक्ट आपको दिखेगा, लग्जरी हाउसिंग में इसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर आप दोनों को देखें तो करीब 25 से 30% सेगमेंट ऐसा है ज्योग्राफिक और प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता हुआ जरूर दिख रहा है। रोहित गिरा साहब भी आ गए चर्चा में हमारे साथ। रोहित जी मुझे बताइए कि अब सेंटिमेंट का क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है और इसमें दिक्कत यह है कि जिस इन्वेंट्री की हम बात कर रहे हैं उस पर थोड़ा थोड़ा सा डिस्प्यूट हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी हम समझ में पकड़ लें कि इन्वेंट्री का लेवल अगर हाई है और सेंटिमेंट भी अब हुआ खराब नोटबंदी के कारण, बहुत सारे लोग जो कैश में डील करते थे वो बाहर हो गए, तो ऐसे में घरों की बिक्री जो पहले ही थोड़ी दिक्कत में थी और पीछे चली गई, तो क्या डिमांड सप्लाई की इक्वेशन इससे चेंज नहीं होगी? जब वो चेंज होगी तो प्राइसेस पे इंपैक्ट आना लाजमी है। विपिन जी देखिए, एक तो जो कस्टमर जो आज ग्राहक जो है वो उन्होंने एक कैटेगरी ऐसे है जो 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 मीडिया में जो सुनते हैं वो उस पे दे आर बिलीविंग दैट द प्राइसेस मस्ट कम डाउन, तो एक ये जो कैटेगरी है उन्होंने अपना परचेस का जो डिसीजन है वो थोड़ा उन्होंने पोस्टपोन कर लिया, ये बात बिल्कुल सही है। अब लेकिन हमने जो देखा है कि सेल्स आर स्टिल टेकिंग प्लेस, यहां लोग ऐसे भी है हु से दैट गए दो साल में, हमने जो जो हमारे कस्टमर के साथ बात किए हैं जिन्होंने गए एक महीने में हमारे से खरीदा है, दे हैव सेड गए दो तीन साल में दाम बढ़े नहीं है, और जो लोग कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन की वजह से द प्राइस इज गोइंग टू राइज, दीज पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि रेरा के वजह से दाम बढ़ेंगे ही क्योंकि बिल्डरों के कॉस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा। तो अब जैसे आप आगे देखने गए और अगर इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ और डिमांड लौट आया तो एक सेगमेंट ऐसा है जो जिन जो हु आर बिलीविंग दैट द प्राइस विल राइज, तो दे आर ऑलरेडी स्टार्टिंग देयर परचेज डिसीजन, तो इट इज द फ्यूचर यू कैनॉट टेल। बट एक तो सही बात है कि डिमांड इंक्वायरीज थोड़े कम हो चुके हैं, लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन वो सिर्फ कह रहे हैं एक हफ्ता दो हफ्ता एक महीने में हम खरीद लेंगे, तो बिल्डर्स आर वेटिंग फॉर दैट, और इसके वजह से मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस इतने कुछ कम होंगे। जैसे पहले किसी ने भी कहा था कि जो प्राइमरी मार्केट है यहां ज्यादातर सब चेक से ऑलरेडी हो रहा है, बहुत से ऐसे मार्केट है जहां रेडी रेकनर का जो रेट है वो बिल्डर के फ्लैट के दाम से ज्यादा है, तो द क्वेश्चन ऑफ प्राइसेस कमिंग डाउन दैट डज नॉट अराइज। तो प्रवीण साहब, जैसे अभी रोहित साहब भी कह रहे हैं, लेकिन एक बात यहां पंकज जी ने कही और वो ये कि लैंड जो है टोटल लैंड पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा इस चीज का, क्योंकि लैंड डील्स भी हम देखते थे कैश में बहुत ज्यादा होती है, जमीन सस्ती होगी रॉ मटेरियल क्योंकि जमीन है, तो जब ओवरऑल जमीन की कीमत कम होगी तो प्रोजेक्ट भी थोड़ा वायबल होगा, उसकी कीमत भी कम होगी, तो आपको नहीं लगता उस एस्पेक्ट से प्राइजेस में हम एक सॉफ्टनेस देखेंगे? देखिए उसका टाइम इम्पैक्ट आते आते टाइम लगेगा, आज किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें, आज जितने भी पिछले आप ये देखें पिछले दो तीन साल के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुए नए प्रोजेक्ट, और जो आज प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं वो 2012 से पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, और 2012 के टाइम पर जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस थे आज की तारीख में उससे 15-20% डाउन ही है प्रॉपर्टी, तो बिल्डर को आज की तारीख में बिल्डर जो कोई आज बेच भी रहे हैं तो वो लॉस में ही कर रहे हैं या एट पार ही कर रहे हैं, वो प्रॉफिट में नहीं काम कर रहे। आज अगर इन्वेंट्री या लैंड कॉस्ट रॉ मटेरियल सस्ता होता है तो उसका इंपैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस पर नया जो नया कभी सेंक्शन आएगी या मगर जैसे भी पीछे जीएसटी आ जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी, रेरा आने से भी कॉस्ट बढ़ेगी, तो मुझे लगता नहीं कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी अगर लैंड कॉस्ट 15-20% 25% कम आ जाते हैं और बाकी चीजों के कॉस्ट इंपैक्ट 20% के आसपास बढ़ जाता है तो आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी के प्राइसेस डाउन आने की संभावना कम है। बट हाँ ये बात ठीक है कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर करेक्शन जरूर आएगा। समझना चाहता हूं यहां पर प्रवीण जी आपसे पूछता हूं कि क्या ये एक मिसबिलीफ था कि रियल एस्टेट में बहुत सारा काला धन होता है, काला अगर इतना बड़ा वाइपआउट होता है, इतना पैसा सिस्टम से बाहर गया लेकिन फर्क फिर भी कुछ नहीं पड़ रहा है? नहीं देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें प्रॉपर्टी में काला धन इन्वॉल्व नहीं था, मैं ये बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि जो सेकेंडरी मार्केट है एक बार प्रॉपर्टी बेचने के बाद जब वो दोबारा रीसेल में सेकेंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम बिकती है या जब लैंड की ट्रांजेक्शन होती है उसमें काला धन ज्यादा इन्वॉल्व था, बट जो बिल्डर्स काम कर रहे हैं वो जो ऑर्गेनाइज्ड लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट में काम कर रहे हैं उसमें काला धन इन्वॉल्व नहीं था। उसका रीजन भी क्या है कि हम जो भी जमीन खरीदते हैं 100% चेक पेमेंट पर खरीदते हैं, क्योंकि अगर आप 100% चेक पर प्रॉपर्टी लैंड जमीन नहीं खरीदेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और जमीन उसका जो अल्टीमेट प्रॉफिट आपके बुक्स में प्रॉफिट आएगा,
तो जितना भी जो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पहले कालाधन पे कभी भी काम नहीं कर रहा था। जैसे अभी पीछे बताया है कि जो प्लॉट लेके 3 मकान अलग अलग फ्लोर्स बना लेते हैं, या इस तरह के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसके अंदर, वहां पर कालाधन जरूर इन्वॉल्व था। उसके अंदर कमी आएगी और उसके अंदर प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी करेक्शन आएगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो लगभग आधा सेक्टर है, आधे से ज्यादा सेक्टर मुझे लगता है अनऑर्गेनाइज। लेकिन इस बीच रोहित गेरा साहब कुछ कहना चाह रहे थे, तो एक बार उनकी बात हम सुन लेते हैं। रोहित जी, विपिन जी देखिए, जमीन के बारे में अगर आप बात करें तो एक तो जो एक है जो बेचना चाहता है और दूसरा जो खरीदना चाहता है। अगर समझो 100 रुपए में कोई अपना जमीन बेच रहा हो और 100 रुपए में कोई खरीदने के लिए तैयार हो, और उन्होंने डिसाइड किया अपने अपने बीच में कि हम आपको 70 रुपए चेक से देंगे, 30 रुपए कैश से देंगे, और आज की परिस्थिति में जो है 30 रुपए कैश का की गुंजाइश नहीं रही, तो इसका मतलब नहीं रहा कि जो दाम हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली 70 पे जाके आएगा। जो खरीद रहा है उस उनके हिसाब से जो जमीन का वैल्यू है वो 100 रुपया है, जो बेच रहा है उनके हिसाब से जो वैल्यू है उनके हिसाब से भी 100 रुपया है। तो सिर्फ इसका जो कलर बदली होगा, हमारे हिसाब से हम जो जमींदार के साथ बात कर रहे हैं आज भी खरीदने के लिए, उनका जो फीडबैक है, साहब आज हमें पूरा चेक से दे दीजिए, हम दाम जमीन का कम नहीं करेंगे। एक्चुअली ये 30 रुपए पे जो हमारे हमें जो टैक्स भरना पड़ेगा उसका आप 6 रुपए बढ़ा के आप हमें 106 रुपए दे दीजिए। आजकल की बात जो चल रही है, इस तरह की भी बात चल रही है। दूसरी जो आपने बात कही कि जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो इतना काला धन की जो चर्चा होती थी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहां जाता है? अगर आप देखेंगे तो जो जो लोग अपने पैसे, अपना जो जो कमाई जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो लॉक करना चाहते हैं, वो जाके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लैंड में जाके दूर दूर जगह पे एग्रीकल्चरल लैंड जाके खरीदते हैं। इसमें सबसे ज्यादा ब्लैक मनी यहां गया है, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज इन एग्रीकल्चरल लैंड। मेन अगर आप सिटीज में देखें, फ्लैट्स में देखें, प्राइमरी मार्केट में देखें, यहां इतना कुछ कैश का इशू है ही नहीं। और लास्ट जो पॉइंट है, यस देर इज एन एलिमेंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड फाइनेंस जो बिल्डर्स को मिल रहा है जो कैश में होता है, उसके वजह से पूरा सप्लाई कम हो जाएगा और जो रेप्यूटेड बिल्डर्स हैं जिनके जिनके ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़ जाएंगे। पंकज कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे जब आप बात कर रहे थे। जी पंकज, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? कि कुछ कैलकुलेशन में जो है, मेरे मेरे बिलीव डिफरेंट है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी के अगर फेयर वैल्यू 100 रुपीज है और अगर उसमें 30% कैश आता है तो उसकी वैल्यू 70-30 में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती, वो 100 एंड 130 हो जाती है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले दशक में जिस हिसाब से लैंड की वैल्यू ऊपर चली गई है वो क्लियरली दर्शाता है कि लैंड में जो एस्केलेशन वैल्यू में हुआ है वो इस ब्लैक मनी को एब्जॉर्व करने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा हद तक पॉलिटिकल मनी गया, जो स्कैम्स का पैसा गया, और जिस जिस शहरों में अगर आप इसको एनालाइज कीजिए एक टाइम और स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखेंगे जो जो ज्योग्राफीज में आपने आपके स्कैम का पैसा सबसे ज्यादा आया, जहां पे पॉलिटिकल जो है वो मनी इन्वॉल्व ज्यादा था वहां पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। आज अगर आप देखेंगे बहुत कायदे से लैंड का प्राइस अनप्रोडक्टिव हो गया। आज के दिन अगर आप बहुत जगह जाएंगे आप एक वाइबल प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते। आज बिल्डर भी खुद खड़े होकर के बोलते हैं कि आज वो सेलिंग प्राइस कम क्यों नहीं कर सकते हैं? आज के एक्स जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर सेल्स नहीं है, फिर भी ये बोलते हैं कि हम कम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड का प्राइसेस है वो एज ए बैरियर बन गया है, यहां क्योंकि से जो काला कंस्ट्रक्शन पैसा कॉस्ट तो आपका हटेगा तो उसका इन्फ्लेशन। इंपैक्ट दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? बिल्कुल दिखना चाहिए, और यही कारण है कि अगर हम एक तरफ से सोचते हैं कि लैंड का भाव अब इससे ज्यादा नहीं गिर सकता, लेकिन उसका गिरना जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप पिछले 3 साल और 4 साल में कर दीजिए, सेलिंग प्राइस बढ़ना बंद हो गया है लेकिन कॉस्ट जिस हिसाब से ऊपर गई है उस कॉस्ट के वजह से क्या है, बिल्डर्स के मार्जिन भी कम हो गए। रोहित शायद मुझसे कन्फर्म करेंगे कि आज मैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस करेक्शन जो हो रहा है इससे बिल्डर का मार्जिन आज घट के 10 से 12% हो गया, एक वक्त पे वो 30 से 50% हुआ करता था। और यही एक कारण है कि बिल्डर चाह के भी आज प्राइस गिरा नहीं रहे हैं और आज के प्राइस पे सेल्स हो नहीं रही है। तो एक बड़ा इकोनॉमिक इम्ब्रोगलो हो गया है कि जब तक ये लैंड प्राइस कम नहीं होगा और उससे रिलेटेड जो प्रीमियम और बाकी सारे
कॉस्ट हैं वो कम नहीं होंगे, तब तक हम वो मार्जिन नहीं लेके आ पाएंगे, और जब तक ये मार्जिन नहीं आएगा तब तक बिल्डर जो है वो डिस्काउंट कंज्यूमर को अफोर्ड नहीं पास नहीं कर सकता। मैंने एक बड़ी अच्छी एनालिटिक्स की थी कि अगर आप 2005 से 2016 के मार्केट को एनालाइज कर दीजिए, किसी भी माइक्रो मार्केट की बात कर लीजिए, मैंने कांदीवली जैसे मार्केट को पकड़ा, मैं बोला कि अगर वहां पे वो 2500 रुपए कारपेट के ऊपर अगर 2005 में घर बिक रहा था तो एक कंज्यूमर की इक्विटी करीब 5 लाख रुपए होती थी 20%, और उसको कमाने के लिए उसे 6 साल लगते थे, और यही कारण है वो पीरियड में 30 से 31 साल एक एवरेज एज कंज्यूमर की हो गई। लेकिन आज जो प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई सेम 750 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया का, जो प्रॉपर्टी अगर आज किसी को घर खरीदना है वहां पे तो उसकी इक्विटी की रिक्वायरमेंट आज के दिन 37 लाख रुपए हो गई, जिसको अगर कमाने के लिए मुझे आज 16 साल की जरूरत पड़ेगी। और ये इकोनॉमिक इंबैलेंस का मेन रीजन ये है कि जितनी जैसे एक तो प्राइसेस बढ़े और उसके साथ जो इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, तो बहुत जरूरी है इस देश के लिए कि यहाँ पे लैंड कॉस्ट कम है, जिसके बेसिस पे इकोनॉमिक इंबैलेंस जो हो गया वो बराबर तो और ठीक है। मुझे क्योंकि यहाँ पे ब्रेक के लिए रुकना होगा, प्रवीण जी भी आपकी बात पे रिएक्ट करना चाह रहे थे तो उनसे आके रिएक्शन बाद में लेते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है कि क्या, जैसा हम बात कर रहे थे कि लग्जरी सेगमेंट पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा जो ऑलरेडी प्रेशर में था, तो क्या डेवलपर लग्जरी से हटकर फिर अफोर्डेबल की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, जिससे सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड सप्लाई के रूल के हिसाब से कीमतें नीचे आएंगी, इस एक फैक्टर को भी चेक करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ।